मीति जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी है, ये सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज पे काम करता है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है ना, ये कॉरपोरेट, ये आप कंपटीशन इश्यूज पे काम करता है। सो मीति जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज पे काम करेगा, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है MCA, ये कंपटीशन इश्यूज पे काम करेगा। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वर्किंग टुवर्ड्स इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग डिजिटल इंडिया एक्ट एंड डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ फॉर रेगुलेटिंग वेरियस फेसेट्स ऑफ द डिजिटल मार्केट इन इंडिया। अब एक और कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेने लेकर के आने वाली है, अगर इसकी सरकार बन जाती है तो फिर डिजिटल इंडिया एक्ट लेकर के आ जाएगा और डिजिटल कंपटीशन लॉ लेकर के आ जाएगा, जिससे वो डिजिटल मार्केट को भी रेगुलेट कर सके। मतलब सबको समझ रहे हो क्या करने की कोशिश कर रहेगी, क्योंकि अभी सोशल मीडिया है, सारे गोदी मीडिया को तो खरीद करके ये लोग तो नौटंकी कर लिए हैं, तो सारे लोग सोशल मीडिया पर आ गए, तो इनका बैंड बज गया, तो अब ये लोग चाह रहे हैं सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करेंगे। बट उम्मीद है कि ऐसा ना हो, नई गवर्नमेंट आई तो चीज़ें सही हो। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल ई गवर्न्ड स्टेट इन इंडिया? कौन सा स्टेट है जो फुल्ली ई गवर्न्ड स्टेट है? केरला। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल ई गवर्न्ड स्टेट इन इंडिया? केरला। केफोन, केफोन का फुल फॉर्म क्या है? केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, KFON। केफोन का फुल फॉर्म क्या है? केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट हैज़ मेड इंटरनेट एक्सेस अ सिटीजन्स राइट। सो केफोन प्रोजेक्ट हैज़ मेड इंटरनेट एक्सेस अ सिटीजन्स राइट। केफोन प्रोजेक्ट हैज़ मेड इंटरनेट एक्सेस अ सिटीजन्स राइट। तो केफोन, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, इसने क्या किया है ना, ये प्रोजेक्ट ने, केफोन प्रोजेक्ट ने इंटरनेट एक्सेस को एक सिटीजन का राइट दे दिया है, कि हर सिटीजन का हक है, अधिकार है, को वो इंटरनेट एक्सेस कर सके। सो KFON, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट हैज़ मेड इंटरनेट एक्सेस अ सिटीजन्स राइट। ई सेवानन, ई सेवानम, ई सेवानम क्या है? ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ केरला। ई सेवानम क्या है? ये ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ केरला है, अ सिंगल पोर्टल फॉर 900 पब्लिक सर्विसेज टू तालुक लेवल ऑफिसेस। तो एक सिंगल पोर्टल है जिससे 900 पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तालुक लेवल ऑफिसेस तक का, ठीक है, अप टू तालुक लेवल ऑफिसेस, ठीक है। मतलब सोच लो, 900 पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तालुक लेवल ऑफिसेज तक का, ठीक है। ई सेवानम क्या है? ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ केरला है, जो एक आपका सिंगल पोर्टल है जिसमें 900 पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है टू तालुक लेवल ऑफिसेज। मीति, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, कौन से वर्क पे काम करेगा? ये सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज पे काम करेगा, और MCA जो है ये कॉम्पिटिशन इश्यूज पे काम करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग टूवर्ड्स इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग डिजिटल इंडिया एक्ट एंड डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ फॉर रेगुलेटिंग वेरियस फेसेट्स ऑफ द डिजिटल मार्केट इन इंडिया। क्या बात सही है? येस। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल ई गवर्न्ड स्टेट इन इंडिया? केरला। KFON का फुल फॉर्म क्या है? केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट हैज़ मेड इंटरनेट एक्सेस अ सिटीजन्स राइट। ई सेवानम इज द ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ केरला, अ सिंगल पोर्टल फॉर 900 पब्लिक सर्विसेज टू तालुक लेवल ऑफिसेस। See you in the next video. Till then, bye.